हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो कुछ कैंडिडेट्स जो कि हमसे जुड़े हुए हैं वो यही पूछ रहे थे कि मैम आपके जो ग्रुप है उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो देखो, ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी ऑलमोस्ट पर्सनस हैं हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी ये नहीं है कि वीक है। भाई मैं ही सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप को ये मानती हूँ कि भाई लकी हूँ कि मेरे साथ जो जो भी बंदे जुड़े हुए हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ बैठ के बात करके हम सीखते हैं। लेकिन उसमें से एक बात आपको निकल के आएगी और ये कहीं ना कहीं आपको भी शंका में डाल देगी, वो है KVS रिजल्ट्स के बारे में। क्योंकि जो बच्चे जिन बच्चों का हुआ है, मतलब ये पूछ रहे थे कि आपकी यूनिवर्सिटी से मैम कितने बच्चों का हुआ है, तो मेरे जानकारी में मतलब भाई जो भी बच्चे थे सभी का 140 मतलब आई थिंक यही स्कोर था। एक का था 145 बता रहे थे आप, लेकिन आई थिंक उसका भी नहीं हुआ है। लेकिन एक बच्चे का हुआ है, वो हमारी यूनिवर्सिटी से तो बिलोंग नहीं करता है, बट जो हमारे गाइड हैं उनके मतलब अंडर वर्क करता है, तो वो स्टूडेंट्स उसका शायद क्लियर बता रहे हैं। कन्फर्म तो 100% उसका भी नहीं है, बट जो भी जिनको भी हम जानते थे उनमें से एक भी बच्चे का नहीं हुआ। अब आप ये देखो, एस्टेट क्वालिफाइड, उसके साथ साथ JRF क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड, और जो बच्चे PhD कर रहे हैं उनमें से एक भी बच्चे का नहीं हुआ। तो आप इस बात को लेकर मत चलना कि भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भी मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हुआ। जी नहीं भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और बिल्कुल ये लग रहा था 100% श्योरिटी थी कि हाँ इनका हो जाएगा। और आज मैंने एक वीडियो भी देखी, उसमें भी स्पष्ट जो है जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उससे इंटरव्यूज़ मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए जो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि वो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे पा रहे थे। तो आप ये मान के चलो, जब आपको अदर नॉलेज शायद ना हो, किसी को भी बंदे को ना भी हो, हमें भी नहीं है भाई, GK वगैरह अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाए तो शायद हम जवाब ना दे पाए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाए और उसमें आप बिल्कुल भी जवाब ना दे पाओ। उसमें तो आपका मुंह जरूर खुलना चाहिए, उसमें तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो इससे एक सवाल हमारे माइंड में राइज होता है, और देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपके माइंड में होता है या नहीं होता है। तो ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही कि भाई हमारे ग्रुप में नहीं हुआ तो हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये है वो है, जी नहीं इससे नहीं कह रही। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं माइंड में ये डाउट जरूर आ रहा है कि बहुत बड़ा जो है लीक का मामला शायद, अगर हमारा मानना सही है तो हुआ है। आपका मानना क्या है? वैसे जो एक दो फ्रेंड्स थे वो कह भी रहे थे कि भाई डायरेक्ट आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का प्रूफ हो तो ही आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, वायरल होने में टाइम नहीं लगता है। बट कहीं ना कहीं भाई देखो, अगर सच्चाई है इस बात में कि इतनी हाई कट ऑफ गई है, चलो भाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हाई चली गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनमें से मतलब कुछ बच्चे भाई हमने देखे, जो बच्चों का इंटरव्यूज़ वगैरह सर ने बताया गया कि भाई उन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं शंका में डाल देता है कि जो पर्सन मतलब इतना हमारे जो सब्जेक्ट हैं, आई थिंक सभी के 90+ थे सब्जेक्ट्स में, सभी का होल्ड था। बाकी अदर में देखो सभी का ऐसा ही होता है, किसी का कोई एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई वीक होता है, तो मतलब 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। और अभी तो ये पता चला है कि 145 यानी कि ये मान के चलो जनरल में ये मिनिमम है, जब स्कोर आएगा तब पता चलेगा कि कैंडिडेट्स ने कितने कितने स्कोर लिए हैं, ठीक है। और शायद इसीलिए डिमांड की जा रही है कि भी रिवाइज्ड आंसर की आए और उसके साथ साथ बच्चों का स्कोर आए, और कहीं ना कहीं ये सही भी है और आना भी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा। और जब उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और हमारी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई ये मतलब हर एक बच्चा ऐसा है जिसने पेपर ये किया वो किया, भी बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ ही पर्सन हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, एक दो बच्चे जो कि पूरी संस्था को नाम खराब कर देते हैं। और KVS कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, तो इसका जो नाम ना तो हम खराब करना चाह रहे, क्योंकि हम भी इससे जुड़ना चाहते थे भाई, हमने भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब माइंड में ये बात थी, और इसीलिए ये वीडियो डालने की जो है पूरी हिम्मत के साथ भाई सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए कि ये बात पहुंचाई जा सके कि भाई जिन बच्चों का हुआ है तो उनकी जो है जो पीछे का जो उनका स्टेटस है उसकी ज़रूर जांच की जानी चाहिए। और इसके लिए एक कमेटी की
कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो इसकी जांच कर सके और दूध का दूध पानी का पानी कर सके। और कई बच्चे ये कह रहे थे कि मैम इंटरव्यू में अपने आप हो जाएगा। भाई इंटरव्यू में तो हो जाएगा, इंटरव्यू में तो अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन जिन बच्चों की उन्होंने सीट छीन ली, ठीक है, उनका क्या होगा? इंटरव्यू में तो सीधी सी बात है, 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं तो 2 तो जाएंगे ही, एक ही बंदा सिलेक्ट होगा 3 में से, आई थिंक 3 में से 2 में से वो शायद लीक वाला हो, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई उन्होंने पैसे दिए ये दिए, लेकिन ये बात जरूर शंका में डाल देती है कि इतनी नॉलेज भी नहीं है उनको, बेसिक्स नॉलेज भी नहीं है और उनका टेस्ट क्लियर बताया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो मैंने वीडियो देखी उसी के बेस पे कह रही हूँ, मैं खुद के बेस पे, लेकिन जो बंदे नॉलेजेबल थे उनका किसी का भी नहीं हुआ, एक भी बच्चे का, मतलब क्योंकि सब ने पहले अपना स्कोर बताया था, अगर किसी का होता तो अपने आप ही बता देता, तो क्योंकि हमारा नहीं हुआ था तो हमारी हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि वही बात है जब किसी से पूछेंगे तो सामने वाला बंदा भी पूछेगा कि भाई आपका हुआ या नहीं हुआ, तो इसीलिए किसी से नहीं पूछा। और क्योंकि देखो नहीं होता है तो उसको बार बार वही बात पूछने से थोड़ा सा बुरा भी लगता है, तो इसीलिए, और कईयों को ये हो जाता कि भाई अपनी वीडियो के लिए, ठीक है, क्योंकि कई जो अपना नाम और फेस भी नहीं आने देना चाहते कि भाई सोशल मीडिया है, पता नहीं क्या कुछ पंगा पड़ जाएगा, हम नहीं इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहते, और मुझे भी मना किया जा रहा था, लेकिन वही बात है कोई ना कोई तो एक पर्सन होना चाहिए जो बात को आगे तक पहुँचाए। और यही कोशिश है कि देखो स्कोर डाला जाए, रिवाइज आंसर की डाली जाए, और उसके साथ साथ ये जो आपकी हर एक पर्सन के, ये नहीं कि जो सिलेक्टेड पर्सन है, हर एक कैंडिडेट्स के विद स्कोर बताया जाए कि भाई आपके इतने स्कोर हैं और इस वजह से आप रह गए हो, ठीक है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा अपने आप ही। और आप भी, आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर वीडियो के बाद, आप वीडियो अगर ना डाल पाओ तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी जो, अगर वो अच्छी खासी चल जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन केवीएस संस्था तक, कोई भी किसी भी चीज़ से अगर वो जुड़ी हुई है ना, तो किसी ना किसी के कानों में ज़रूर जाती है, और जाएगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं, तो देखो किसी ना किसी को, अब मैंने वीडियो डाली है मुझे खटक हुई, तो किसी ना किसी को तो खटक जरूर होगी, और खटक होगी तो इस चीज़ की जाँच होगी, और जाँच होगी तो सही जो रिजल्ट था वो आपके सामने होगा। और हमारी यही जो है रिक्वेस्ट है बाय, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई हम हो, हमारे फ्रेंड्स हो, उन्हीं का जो है सिलेक्शन हो, जी नहीं, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए बिल्कुल। और अगर कोई बंदा अगर इसके लिए एलिजिबल है, उसी को इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। अगर कोई पैसों के बल पे है तो ऐसे तो गरीब का जो सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। जो गरीब बंदे, हम तो देखो ये नहीं कह रहे कि भाई हमें सिलेक्शन दो, कहीं फिर बाद में आप ये कहो कि मैम का नहीं हुआ इसलिए मैम आवाज़ उठा रही, जी नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर कोई भी बंदा फाइनेंस की वजह से अगर रहता है तो वो तो गलत है, एजुकेशन के बेस पे अगर आपको नॉलेज है तो आपको, आप हकदार हो उस वैकेंसी का, लेकिन अगर आप फाइनेंस के बेस पर अगर उस वैकेंसीज को आप लेते हो तो एक टीचर लाइन में, तो ये देखो बहुत ही गलत है, क्योंकि फिर सारी उम्र आपको भी गिल्ट होता रहेगा, और जिसकी आपने सीट छीनी है कहीं ना कहीं वो भी, उसकी भी जो है वो कहते हैं ना बद्दुआ असर करती है, तो वो ज़रूर लगेगी। सो यही है हमारी संस्था से डिमांड कि भाई स्कोर चेक किया जाए, बच्चों का स्कोर डाला जाए, रिवाइज आंसर की डाली जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैं, आपने डिमांड नहीं की, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस, हर एक मैं यही बात कहती हूँ, क्योंकि भाई जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, हमें पता है क्या फील होता है उस चीज़ के बारे में, हम काफ़ी अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सो बस इतना ही कहना था कि अच्छे से जांच होनी चाहिए, और जो जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिन्होंने अपनी नॉलेज के बेस पे लिया है, उन्हीं का फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, और कमेटी बैठनी चाहिए, और कमेटी ही इस चीज़ की जांच करे, तभी ये माना जाएगा कि फेयर सिलेक्शन हुआ है। और आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच, और कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो प्लीज़ सॉरी। और केवीएस संस्था से भी यही कहना चाहते हैं कि कई कह रहे थे कि भाई आप जो है इस तरह की वीडियो मत डालिए, नहीं तो आपका जो क्या कहते हैं फेस वैल्यू ख़राब हो जाएगी। तो भाई देखो, अगर सही बात कहने से फेस वैल्यू ख़राब होती है तो होए, क्योंकि सही बात अगर YouTube चैनल स्टार्ट किया हो और नहीं कह पाएंगे तो फ़ायदा क्या, ठीक है। तो वैसे हमने कोई गलत बात आज तक की भी नहीं है, और आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन सही का साथ देने से हम कोई पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा पक्का वादा है।
भाई चैनल क्या है, वो एक बंद हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट कर लेंगे, कौन सा हमारे लाखों सब्सक्राइबर है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच, बट ये बात आप जरूर केवीए संस्था तक पहुंचाइएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।